हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं ओरियो केक, और वो भी इतने इजी और इतने आसान तरीके से कि इसे बच्चे भी बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओरियो केक बनाने के लिए हमने लिए हैं ये ओरियो के दो बड़े पैकेट, ओरियो बिस्किट के दो बड़े पैकेट, एक कप दूध लिया, एक कप से थोड़ा सा कम, और हाफ कप शुगर लिया हमने, और ये हाफ स्पून हमने लिया है बेकिंग पाउडर। बस ये चार इंग्रेडिएंट से ही हमारा बनेगा ओरियो केक। अब हम ये दोनों बिस्किट के पैकेट खोल लेंगे और इनको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे हम। तो अब हम मिक्सी में डाल रहे हैं। बैटर बनाने से पहले हम गैस के ऊपर एक कुकर ले लेंगे। उस कुकर की मैंने रिंग और विसल दोनों निकाल दी, और इस कुकर के अंदर मैंने नमक डाला है, और ये एक रिंग रखी है। इसको हम एक बार फुल पे गरम करने, प्री हीट करने के लिए रख देंगे, जब तक हम बैटर रेडी करेंगे। पेस्ट बनाएंगे इसके लिए, और हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें आधा कप शक्कर, पीसी हुई शक्कर है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है मिल्क, शुगर और बिस्किट का पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे ये बेकिंग पाउडर, हाफ स्पून बेकिंग पाउडर, इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एक ही कट एंड फोल्ड में एक ही साइड में हिलाएंगे हम इसको, ताकि इसके बबल्स नहीं टूटे एयर बबल्स। अब हम केक टिन को ग्रीस करेंगे, उसके लिए हम इसमें एक चम्मच घी डालेंगे और फिर इसको अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। फिर हम इसमें मैदा डालेंगे और इसको मैदे को अच्छे से चारों तरफ घुमा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको हम निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा मैदे को हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा केक टिन बिल्कुल अच्छे से ग्रीस हो चुका है। अब हम इस बैटर को केक टिन में डाल देंगे। हमने ये पूरा केक इस टिन में डाल दिया कि अब हम देख लेते हैं कि हमारा कुकर गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। अब हम इसमें इसको आराम से बहुत धीरे से रख दिया। अब हम इसको ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट के लिए जब ये ठंडा होगा तब हम इसको बाहर निकालेंगे। केक में हमारा केक ठंडा हो चुका है, हम इसको एक बार साइड से नाइफ को घुमा लेंगे ताकि वो साइड से छोड़ दे। अब हम इसको प्लेट में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।